तो दोस्तों आज मॉर्निंग में बहुत ही प्यारी धूप आई है, तो यार जल्दी जल्दी हमारे टर्टल्स में बाहर छोड़ दे दो, क्योंकि इनको धूप बहुत ही कब की नहीं मिली यार। जा भाई जा 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 जा, तू भी जा। तो यार मैंने अभी हमारे चारों टर्टल छोड़ दिए और ये प्रॉपर धूप का एंजॉय कर सकेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने धूप सीखना अभी स्टार्ट कर दिया है। ये ऐसे बैठे, मतलब ये धूप का एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये देखो ये भी कैसा बैठा है, आराम से बैठे भाई, सुकून से। ये वाला भी देखो, ये बहुत ज़्यादा डरता है यार। ये नहीं डरता, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हमारा, ये सबसे फ्रेंडली टर्टल है और वो भी फ्रेंडली है, और इसका पता नहीं यार। हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज का क्लाइमेट देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है, और आज हमें हमारे जो मॉलीफिश का टैंक का जो सेटअप हमने किया था, तो इसमें बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप इसमें थोड़े बहुत कुछ सैंड वगैरह ऐड करो, तो आज हमें वही करना है। तो दोस्तों हमारे जो सैंड है वो भी आ चुकी है, थोड़ी वाइट डिश की और थोड़ी ना मैच हो गई। यार ध्रुव इतनी कम क्यों सैंड लाई यार, ज्यादा मिली नहीं मुझे भाई यार, ज्यादा लेके आता ना यार इतने से। ध्रुव मैंने अभी देखा भाई, और बेबीज है यार, ब्लैक कलर के भी बेबीज है भाई यहाँ पे। व्हाइट तो मैंने कल ही दिखा, देखा व्हाइट तो कल के यार, आज तो ब्लैक भी दिख रहा है हमें यहाँ। कहाँ पे? अरे भाई ये देख, ये देख ब्लैक 1 2 और कहाँ पे ये जो व्हाइट दिख रहे ना तुझे, देखिए ये फ्रीली स्विम जो कर रहे हैं ना, ये कल के बेबीज है, मतलब इन्होंने कल रात को दिए थे। और ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ना यार, ये मुझे आज मॉर्निंग वाले दिख रहे हैं। हाँ ये देखिए देख ब्लैक वाले कितने सारे हैं। और दोस्तों हमारे मॉडली फिश को सेटअप करते सिर्फ 2 ही दिन हुए, और यहाँ पे हम सेकेंड टाइम इन्होंने बेबीज सक्सेसफुली दे भी दिए। यार मुझे लग ही रहा था यार जो ब्लैक मॉली ना ध्रुव, वो देखो जो ब्लैक है बहुत ज्यादा फूली हुई, देख मुझे तो इससे पूरा डाउट था। मैं क्या बोल रहा था, अभी यहाँ से अपने जो बेबीज है ना उठा लेते हैं और है ना वो वाले पॉन्ड में छोड़ देते साइड वाले। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज है हम यहाँ से उठा लेंगे, और यहाँ से उठाकर इस वाले टब में छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी प्लैटी फिश और गप्पी फिश के बेबीज ऑलरेडी हम इन्हें यहाँ पे छोड़े हैं, तो यहाँ पे ग्रीन वाटर भी, तो ये जल्दी जल्दी बढ़ भी जाएंगे। तो चल ध्रुव जल्दी जल्दी पकड़ दे, चल ध्रुव मैं क्या बोल रहा, पहले पकड़ लेते हैं फिर सैंड ऐड करेंगे अपन, ठीक है चलेगा ना। चल पहले सर प्लांट्स निकालने होंगे यार अपने को। चल तू टब लेके आना, टब लेके आना, टब कहाँ है? नेट 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 नेट, व्हाइट कलर की नेट है ना उधर देख। हाँ तो चलो यार अभी मैं ना यार यही का पानी यूज करूंगा यार, बाहर का पानी मैं नहीं लूंगा। और दोस्तों हमारा जो टब है ना यहाँ से थोड़ा टूट गया, क्योंकि ना कल बहुत जोर से नीचे गिर गया था तो टूट गया यार ये। चलो यार हमारी जो पुरानी वाली नेट है वो भी आ चुकी, दूर में सारे बेबीज पकड़ लेते। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैंने इतने सारे बेबीज कैच कर लिए। ध्रुव तूने काउंट किए गए बेबीज कितने? 30 से 35 बेबीज है यार, कितने क्यूट है यार, सारे व्हाइट है ध्रुव। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ये जो बी वाली मॉली है ना, ये देखिए व्हाइट वाली थोड़ी व्हाइट है, इसके बेबीज लग रहे हैं यार मुझे। हाँ भाई कितने क्यूट है भाई। अभी हम क्या करते हैं हमारे जो सैंड ना, चल ध्रुव सैंड ऐड कर दे जल्दी जल्दी यहाँ पे इस साइड में, करा देखा मेरे पास मैं करता। तो यहाँ पे हमने इतने सैंड फैला दिए, और बाकी का यहाँ पे उनका जो ये प्लांट है ये प्लांट्स रहेंगे, और जो मटकी है मटकी इस साइड में रहेंगी, तो प्रॉपर इनको हाइडिंग प्लेस मिलने वाला है। दोस्तों हमारा जो सेटअप है पहले से काफ़ी हद तक अभी बेहतर हो गया, तो देख सकते हो यार यहाँ पे हमने प्लांट्स वगैरह ऐड कर दिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये मटकी मैंने ऊपर रख दी, तो इनको प्रॉपर यहाँ पे हाइडिंग प्लेस मिलने वाला है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने व्हाइट सैंड ऐड की है, और मार्केट जाकर हम थोड़ी सी लेके आएंगे, क्योंकि ध्रुव भाई गया था मार्केट बट यार उसे थोड़ी बहुत ही मिली, तो ठीक है और लेके हम आएंगे। चल ध्रुव इनका जो टेम्परेचर इनका मेंटेन कर लेते हैं पहले, चल जल्दी ये खोल ना तू ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे कोई बड़ी फिश नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे बेबी फिशेस है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे छोड़ने के लिए, नहीं तो भाई कोई बड़ी फिश रहती तो इनके ऊपर अटैक कर सकती थी। छोड़ 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 होय 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 धीरे से। हाँ ओके ये गए हमारे बैलून मॉली के बेबीज। बैलून मॉली हमारी नॉर्मल नहीं ध्रुव, वो स्पॉटेड बैलून मॉली भाई, भाई हमने मार्केट से लाया था। चले अभी इनको ऊपर से रख दे, मतलब इनका जो बारिश का जो वाटर है ये सीधा ना गिरे, और हमारे बेबीज सुरक्षित भी रहेंगे इस ये लगाने से। और यहाँ पे है हमारे डम्बो ईयर, तो ये भी हमने लगा दिया, मतलब बारिश सीधी यहाँ पे नहीं आएगी। तो दोस्तों हमारे मॉन्स्टर पॉन्ड का हाल देख सकते हैं, और हमारे ग्रेनेट पूरी की पूरी नीचे आ गई है, मतलब मैंने ही नीचे ऐसी पैक कर दिए, क्योंकि ना ये थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी, तो इसका भी काम हमें बहुत जल्द करना है, क्योंकि यार बारिश की वजह से हमने ये काम रोका हुआ है। जब बारिश थोड़ी बहुत कम हो जाएगी तब हम इसका कलरिंग का काम स्टार्ट कर देंगे, फिर हम यहाँ पे बड़े बड़े हमारे फिश रहने वाले हैं।
ध्रुव तुझे पता है भाई हमारे जो टर्टल्स यार मॉर्निंग में मैंने छोड़े थे और सुबह से आज यहाँ पे बाहर है, तो चलो इनको जल्दी जल्दी पानी में ऐड कर देते। आजा 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 आजा। ये लो जी भाई, उनको थोड़ा ऊपर से भी ये कर दे। ध्रुव इनको फूड भी दे दे। ओके और दे थोड़ा। ओके हेलो जी, खा लो 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 खा लो। तो यार बारिश आने के पहले मैं सारा का सारा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे क्या हुआ क्या हुआ भाई? कब से देख रहा हूँ। हाँ ये बेबीज तो मुझे सारे दिख रहे हैं। कौन से? पोलर पैरेट के? हाँ, लेकिन इसमें से एक भी बेबी नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों रे क्या हुआ? मतलब बेबीज नहीं दिख रहे, मतलब यार दिख ही नहीं रहे, मतलब किधर भी पता नहीं। एक मिनट मुझे किधर दिख रहे थे। हाँ यार यहाँ पे तो सारे इसके सारे बेबीज इनके साथ। तो दोस्तों इनके साथ है ना, इनके बहुत सारे बेबीज है, मतलब सारे बेबीज है यार, ठीक है ना, बट ये पेयर के साथ यार नहीं है, मतलब एक भी बेबी मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ ना, एक मिनट मैं क्या बोल रहा ध्रुव, ये जो मटका है इधर निकाल लेते, फिर देखते यार मटके के पीछे वगैरह अटैक करेंगे तेरे ऊपर। ओ भाई एक भी बेबी नहीं है यार। हाँ ना, एक भी बेबीज नहीं है, पता नहीं यार। तो दोस्तों हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब हमारे जो दोनों पोलर पैरेट के जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है ना, ये वाले पेयर के बेबीज हमें एक भी नहीं दिख रहा, और ये वाले पेयर के बेबीज सारे के सारे उसके साथ घूम रहे भाई, पोलर पैरेट के पेयर के साथ। बट यार इसके बेबीज कहाँ गए यार, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ध्रुव तूने यहाँ पे शकर फिश स्नेल वगैरह कुछ छोड़ी थी क्या यार? क्योंकि वो ही खा सकते हैं यार इनको, मुझे नहीं लगता भाई उनके खाएंगे यार। यार इनको डेली हम 3 टाइम फीड करते हैं, तभी भी बेबी ना पता होना, मतलब यार मुझे तो क्या लगता है भाई। हाँ खुद उनकी बेबीज खा गए ऐसा लग रहा है मुझे तो। अभी मुझे भी तो वही लगने लगा यार, क्योंकि यहाँ पे हमने शकर फिश या कोई स्नेल वगैरह छोड़ी होती ना, तो उनकी बेबीज के ऊपर अटैक कर सकती है। हम समझ सकते थे भाई। हाँ चल भाई, चल तू बाहर, चल दूर ये ना, मैं सारा का सारा क्लीन कर लेता हूँ। ध्रुव सुनना, तू सारे फिशेज को फूड वगैरह दे दे, सब क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया ना, इवनिंग का फूड दे दिया ना इनको पक्का। चल फिर तू बाहर आ जा और हम ये सारा का सारा अभी क्लीन कर देते। ओके चलो 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 चलो। उई भाई बहुत पानी उड़ाते यार ये जब भागते तब। तो दोस्तों हमारे जो टर्टल्स का जो वाटर यार बहुत दिनों से मैंने चेंज नहीं किया, तो अभी इनका जो वाटर है ये भी चेंज कर लेते और ये वाला भी साफ कर लेते, ठीक है? तो काम में काम हो जाएगा यार, ठीक है? चल जल्दी जल्दी उठा भाई इनको धीरे से, पहले ये वाला चेंज करते, तू ये टर्टल इधर शिफ्ट कर, फिर ये वाला चेंज होगा क्या, ये कर देंगे, ठीक है भाई? उठा उठा उठा। ओ भाई ये टब बहुत ज्यादा भारी है यार ध्रुव, यार इनका एक ही प्रॉब्लम है, ये ना यहाँ से निकलते नहीं। हाँ यार निकलते नहीं, निकल गए। डाल दे वाटर अभी यहाँ पे, से अच्छे से धो लेते पहले। अभी मैं इसमें पानी भर देता हूँ ध्रुव, ठीक है? पहले ये वाले टर्टल्स यहाँ पे शिफ्ट कर दे, फिर पानी भरेंगे अपन। टर्टल्स तूने धो लिए क्या? ओके ठीक है, फिर शिप कर दे यहाँ पे। तो भाई हमने दोनों टर्टल्स के जो टब थे अच्छे से धो लिए, अभी जो पानी है ये अभी यहाँ पे पूरा भर देंगे। ध्रुव देख ये वाली जो लेवल है ना इधर तक ही भरना पानी, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे तो फिर वो अच्छे से ये नहीं रह पाते यार कंफर्टेबल। तो अभी मेरी बारी हो गई, तो अभी ध्रुव की बारी। इतना मैंने क्लीन किया, अभी इतना सब ध्रुव क्लीन करेगा। और दोस्तों हमारे जो टर्टल का जो वाटर है मैंने अच्छे से अभी भर दिया, और हमारे टर्टल्स अभी काफी ज्यादा हद तक खुश भी लग रहे। ध्रुव इनको इनका न्यू फूड दे देते यार, ठीक है ना? हाँ यार देखना कितने क्यूट लग रहे हैं, देख मेरे पास आ रहे हो, वाह तू भी आजा भाई, चल इधर आजा आजा आजा। यार हमारे जो टर्टल्स हैं हैंटी में यार, हमें डरते ही नहीं यार। तू सुनना उनका खाना लेके आना, फिर वो लेवल तक पानी भर लेंगे, फिर ये भी बंद कर देंगे। इसका तो कंप्लीट है, वो आज डबल डबल फूड हो गया ध्रुव, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ चल ठीक है, ऐसा भी आज दिन भर के वो धूप में थे यार, ये पकड़ना मैं देता हूँ इनको। फूड खा लो खा लो। हाँ इतना काफी हो गया ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले डाला था। चलो खा लो खा लो, और इधर थोड़ा दे यार, इधर कम हो जाएगा। आजा 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 आजा, इधर खा रहे यार। ध्रुव इनका जो वाटर है ना अभी भर गया है, बंद कर दे तू नल, बंद कर दे। ध्रुव सुनना हमारे ऑस्कर फिश ना यार यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गंदा करते यार, इतना बड़ा टैंक दिया यार 4 फीट का, तभी भी इतना गंदा क्यों करते यार? मैं तो ऐसा बोल रहा ना इनके लिए प्रॉपर यहाँ पे ना सेटअप कर देंगे यार।
क्या बोल रहा, हाँ हाँ सेटअप इनके लिए यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे मेरा कुछ अलग प्लानिंग चल रहा है ध्रुव अभी के लिए, ठीक है ना, देखेंगे इनका भी करेंगे कुछ। और यहाँ पे तो हमें सेटअप बहुत जल्द करना है यार, क्योंकि देखना यार पानी देख कितना गंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की सिस्टम है ना हम बढ़ा देंगे, मतलब पानी भी फ्रेश रहे और हमारे फ्रिज भी हैप्पी रहे। अभी तो हैप्पी यार ये, तू देख तू जैसे हाथ पास में लेके जाएंगे ना, तू जा तेरे पास देख कैसे आएंगे फिर, ये देख हाँ ये देख ये देख बड़े हैंटी में हमारे बेबी ऑस्कर, हे बड़ी हेलो, ये देखो ये आजा आजा ये देखो भाई अटैक करने का देखते भाई, सेम हमारा जो पुराना वाला बॉब था ना उनके जैसे ही भाई ये। तो दोस्तों यहाँ का सारा सेटअप अभी क्लीन हो चुका है अच्छे से। और सुनना भाई, हाँ आज हमें हमारे कॉकटेल के अंडे चेक करने थे यार। अच्छा हाँ यार, आज हमारे कॉकटेल के एक तो चेक करने थे, बट इनको रात को डिस्टर्ब हो सकता है भाई, रात को नहीं जा सकते भाई अंदर, ठीक है ना, कल सुबह जाएंगे यार। हाँ हमारे बेबी है ना, पिजन्स के बेबी, हाँ यार मुझे भी आ रही थी मॉर्निंग में, मैं इनको फूड देने के लिए आया ना आज, तो इनकी आवाजें आ रही थी यार मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है ना हमारे जो न्यू बेबीज है ना वो आ गए यार, तो हमें पुराने वाले बेबीज को बहुत जल्द ध्रुव यहाँ से बाहर निकालना होगा, नहीं तो पुराने वाले बेबी से उनको नुकसान पहुंचा सकते, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज यार आज हमारे मौली फिश ने सेकंड टाइम बेबीज देख ली, ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, तू भी बहुत ज्यादा है ना, खुश क्यों नहीं होगा भाई, हमने इतने दूर से वो मौली फिश लाए थे सुन ना 1 महीने पहले।